हाथरस गैंगरेप को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। राजनीतिक दल यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इसी बीच योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हाथरस के एसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन सड़क से लेकर राजनीतिक विरोध के बीच एक सवाल उठ रहा है कि हाथरस की पीड़िता का परिवार कहाँ है और कैसा है। दरअसल एसआईटी की टीम के गांव में पहुंचने के बाद से परिवार तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो पीड़ित परिवार के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती की हकीकत बयां कर रहा है। भले ही कोई लाख पहरा बिठाए लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। हाथरस के इस गाँव में हर तरफ पुलिस का पहरा है। एक परिवार जो अपनी बेटी को खोने के बाद इंसाफ की आस में बैठा है, उसकी आवाज़ को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता के परिवार को पुलिस ने घर में ही कैद कर दिया है। पीड़िता के घर ना किसी को आने की इजाज़त है और ना ही वहां तक किसी को जाने की। अगर कोई पुलिस के पहरे को पार कर पीड़िता के घर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इस पहरेदारी के बीच एक ऐसा सच सामने आया है जो पीड़िता के परिवार के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती को सबके सामने लाता है। पीड़िता के घर वालों से बातचीत का एक वीडियो भीम आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में पीड़ित परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही नाइंसाफी की पूरी हकीकत कैद है। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे उस परिवार को दबाने की कोशिश हो रही है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। जरा इस परिवार की हालत को कुछ पल के लिए महसूस कीजिए। सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी जिसकी बेटी आखिरी वक्त में भी उन्हें नसीब नहीं हुई। अब जब ये परिवार अपनी बेटी के लिए हुक्मरानों से इंसाफ मांग रहा है तो उसकी आवाज पर भी पहरा बिठाया जा रहा है। भीम आर्मी के इस वीडियो में पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन की मनमानी से पर्दा उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के जरिए परिवार ने जो अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है उससे हुक्मरानों के कानों पर कितनी जू रेंगती है। गौरतलब है कि हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद 29 सितंबर को उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। अगले ही दिन रात को 2:30 बजे पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।